सौरभ जी, आचार्य जी ने ब्रेक से पहले कहा कि आप लोग जैसे नेहरू को दुश्मन मानते हैं, गलत है। ऐसे ही अगर ऐसे ही देश का विपक्ष देश के प्रधानमंत्री की नीयत पर अगर सवाल खड़े करता है तो वो भी गलत है। वो लेकिन ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं तो हम सवाल भी पूछेंगे, हमारे संबंध चीन के साथ क्यों ठीक नहीं हो रहे, ये सवाल भी पूछा जाएगा। मैंने बड़ी ध्यान से आचार्य जी को सुना। आचार्य जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी को गद्दार मानती है। मैं समझता हूं उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा रहा। आप भी साक्षी हैं, जब आचार्य जी नहीं थे चर्चा में तब भी हमने कहा जो जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति थी जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई कह दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिल रही थी और नेहरू जी ने कहा नहीं पहले चीन को ले आओ उसके बाद हम जाएंगे। उस विदेश नीति पे सवाल उठ रहा है। गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। लेकिन एक बात जरूर पूछी जाएगी आचार्य जी, अगर 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भारत की भूमि है गलत विदेश नीति की वजह से चीन ने कब्जाई, आप कांग्रेस पार्टी की कार्यकाल में ही कब्जाई, तो क्या सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि आपकी विदेश नीति कूटनीति विफल क्यों हुई? दूसरी बात, मैं गद्दार राहुल गांधी को कहूंगा। क्यों कहूंगा? आचार्य जी आप सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए, तस्वीर है, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक समझौता पार्टी टू पार्टी किया जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में 2008 में। आज तक ये सार्वजनिक नहीं हुआ। क्यों नहीं? भारत की जनता को ये हक है कि वो जान पाए कि इस समझौते में क्या है। अगर ये सार्वजनिक नहीं होता तो राहुल गांधी गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारी नंबर 1 है, इसका उत्तर दीजिएगा। गद्दारी दूसरी क्या है? भारत की सेना वो सेना है जो पिटती नहीं है। सौरभ जी, खदेड़ दिया था चीनी सेना को। आपको पता है कि कर्नल संतोष बाबू और 19 और हमारे जवान शहादत दी, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राहुल गांधी ने कहा हमारी सेना पिट गई चीनी सेना से। आप मुझे बताइए आचार्य जी, आप सहमत हैं इस बयान से? यूएस की रिपोर्ट की बात कर लें, वो अभी बता रहे थे सैटेलाइट में है, इमेज आ रही है। अरे यूएस की रिपोर्ट है 45 चीनी सैनिक धराशायी कर दिए हमारी वीर सेना ने, और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई उनकी कि आंख दिखाएं। और अब तो स्थिति मैंने जैसे बताया, राफेल, अपाचे, चिनू, एस400 एंटी मिसाइल सिस्टम, तो हमारी दोनों लोग आपकी बात का जवाब देंगे। लेकिन एक प्रश्न जो आप सरकार से पूछा जा रहा है उसका तो उत्तर आप दे दीजिए, वो ये कि चीन से जब बात हुई तो ये चर्चा बताया नहीं गया, जो बाद में ब्यौरा दिया गया बातचीत का, कि उसमें कहा गया कि 2020 से पहले की स्थिति बहाल करें, उस पर जोर क्यों नहीं दिया गया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। नहीं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है जब दोकलाम भी होता है और उसके बाद गलवान हुआ, गलवान के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में सारे तथ्य विपक्ष के समक्ष रखे गए। विपक्ष ने भारत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया, उन्होंने बल्कि आरोप लगाए, उन्होंने कहा सरेंडर मोदी। और आज भी मैं ये कहूँगा, ये जो जनरल और जनरल की बातचीत हो रही है, आर्मी की आपस में, क्यों आप ऐसा मानते हैं कि भारत बड़ी मजबूती से ये नहीं कहेगा कि आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं? ये बातचीत चल रही है और हमें अपनी सेना पे यकीन होना चाहिए, जिस सेना को नरेंद्र मोदी जी ने खुला हाथ दे दिया है। अगर आप शक सेना पे करते हैं तो आपको कोई हक नहीं आप अपने आप को भारतीय कहें। चलिए ठीक है, पहले वारिस पठान जवाब दें। आपको चीन की सैटेलाइट पर नहीं, देश की फौज पर यकीन रखिए। वारिस पठान, बिल्कुल देखिए, हमको हमारी देश की सेना के ऊपर फक्र है, गर्व है। हमारी देश की सेना बहादुर है और इतनी बहादुर है कि अगर चाहे तो चीन को खदेड़ के फेंक दे, अगर नरेंद्र मोदी उनको आदेश दे तो। हम सैल्यूट करते हैं हमारी सेना को। 2020 से लेके अब तक 19 राउंड मीटिंग हो गई। क्या हुआ मीटिंग के अंदर, चलिए बताइए मुझे। अभी चाइनीज़ ऑफिशियलों ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि अब मीटिंग करिए, इसके ऊपर बात करेंगे डिसएंगेजमेंट के ऊपर, और फिर भी डिसएंगेजमेंट की बात नहीं हो रही है, ना हटाने की बात हो रही है। आपने कहा अमेरिकन सैटेलाइट की इमेज के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, मत करिए। अरुणाचल प्रदेश तो मेरे भारत देश का हिस्सा है ना। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, वो तो मेरे भारत देश के ही वासी है। उन्होंने वहाँ से वीडियो बना के भेजा है कि किस तरह से चीनी वहाँ पे घुसे, वहाँ पे गांव बना दिए, रास्ते बना दिए, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। और गौरव भाटिया तो मीडिया के ऊपर रहते ही, हमेशा उनके हाथ में मोबाइल 24 आवर ट्विटर पे रहते। क्या नहीं देखा आपने? फिर झूठ क्यों बोलते? तो हम चाहते ना कि तमाम ये झूठ सच का फैसला हो जाए, एक बार पूरी चर्चा हो जाए, क्योंकि देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एक बुलाइए ना संसद के अंदर, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन रखिए जिसके ऊपर चीन की जितनी बातें, सबका सवाल का जवाब दे दे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के 19 राउंड जो बात हुई है चाइनीज ऑफिशियल से, शी जिनपिंग से, जिससे भी क्या हुआ उसका नतीजा, क्या आगे हम स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या स्टेप लेंगे कि हमारे जो जवान 50,000 से ज्यादा जवान सरहदों पे खड़े हुए हैं 2 साल से, आपने वहां पे एक बफर जोन बना के रख दिया। क्या भारत की नीति है चीन के प्रति? क्या भारत स्टेप लेने वाला है कि जो हमारी जमीन को हजारों एकड़ के हिसाब से चीन ले लिया है उसको वापस लेंगे? क्या बात? आपकी पार्टी तो पहले निष्कर्ष पे पहुंच गई ना, लेकिन वारिस पठान साहब नहीं बताना चाहते? चलिए बताइए हमको। आप लोग तो पहले निष्कर्ष पे पहुंच गए ना। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहा, भरोसा नहीं है ना। आप ओवैसी साहब ने तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी फौज को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन हुआ है उसको मान लो, जो जमीन चली गई जाने दो। नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहादुर फौज है वो सक्षम है जाकर अपनी ज़मीन कब्जा कर सकती है। अगर मोदी चाहे उनको आदेश दे तो इमीडिएट काम हो जाएगा। ये 19 राउंड की मीटिंग में क्या हुआ ये आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, देशवासियों को पता नहीं है। चाइनीज ऑफिशियल बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी हमारे पीछे आए थे, रिक्वेस्ट किया हमको मीटिंग लगाने के लिए। क्यों नहीं चाहते प्रधानमंत्री कि हमारी ज़मीन है वापस ले लें? क्यों नहीं बोलते कि क्या पोजीशन है देपशोंग के अंदर, क्या है लद्दाख के पास बॉर्डर की पोजीशन? क्यों नहीं बताते कितना किलोमीटर अंदर चाइना घुस चुका है, हमने कितना वहां पर? जब उन्होंने बताया था तो आपने एतबार नहीं किया। उन्होंने कहा था कोई नहीं घुसा, या तो डर रहे। जब वो कहते हैं कोई नहीं घुसा अंदर, कोई जमीन नहीं ले गया चीन, कहां? मगर घुसा है। देखिए ना आप, अरुणाचल प्रदेश वाले ही बोल रहे घुसा हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस से जो बता रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, जवाब देंगे गौरव जी। अभी वो दिखा रहे थे, एक बार जरा आचार्य जी को भी। आचार्य झूठ बोल रहे हैं उन्होंने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।